हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में पेज 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले पेज 4 और 5 में आप लोग यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर पढ़े थे। इन मींस में, ऑन मींस ऊपर, अंडर मींस नीचे। अब देखते हैं इस पेज में क्या करना है। रिवीजन 5, लुक एट द पिक्चर्स carefully and put a tick in front of the right sentence. यहाँ pictures को ध्यान से देखना है, जो picture draw किया हुआ है, और उसके बाद कहाँ पर under लगेगा, कहाँ in लगेगा, कहाँ on लगेगा, इसको एकदम ध्यान देना है। हम पहला देखते हैं, the cup is under the टेबल। यहाँ एक टेबल है, यहाँ कप है, यहाँ कप टेबल के ऊपर है, तो ऐसे होगा द कप इज ऑन द टेबल। ऐसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, द कप इज ऑन द टेबल नहीं लिखा हुआ है, अंडर द टेबल लिखा हुआ है। अंडर मीन्स टेबल के नीचे है कप। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे रॉन्ग का साइन दे देंगे। 2, द रैट इज अंडर द मैट। यहाँ पर पिक्चर को देखिए और सेंटेंस है द रैट इज अंडर द मैट। रैट मैट के नीचे है। क्या यहाँ पे पिक्चर देखने से आपको समझ में आ रहा है कि रैट ये मैट के नीचे है? ऑन द मैट। तो हम लोग इसको भी इनकरेक्ट करेंगे। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड, द बॉल इज ऑन द चेयर। यहां पर एक पिक्चर है, चेयर है, बॉल है, और सेंटेंस है द बॉल इज ऑन द चेयर। कुर्सी के ऊपर तो बॉल रखा नहीं है, कुर्सी के नीचे रखा हुआ है, तो सेंटेंस ऐसे होना चाहिए द बॉल इज अंडर द चेयर, जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट ही होगा, तो हम लोग रॉन्ग का साइन लगा देंगे। अब फोर्थ देखते हैं, द बर्ड इज इन द नेस्ट। यहाँ पर एक नेस्ट का पिक्चर है और नेस्ट में एक छोटा सा बर्ड है। द बर्ड इज इन द नेस्ट, ये करेक्ट है। घोंसले में है बर्ड, घोंसले में है, और पिक्चर में भी वही है जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ करेक्ट हम लोग कर देंगे बॉक्स में। अब फिफ्थ देखते हैं, द फिश इज इन द वॉटर। मछली पानी में है, ये आप लोग खुद समझ जाएंगे और यहाँ क्या करना है कर देंगे। अब ये चार हम आपके करने के लिए छोड़ते हैं, आप ध्यान पूर्वक कीजिएगा और करेक्ट कीजिएगा। इतना दूर में आपको इन, ऑन, अंडर समझ में आ गया होगा। इसका भी हिंदी समझा देती हूँ। सिक्स्थ का, द बॉय इज ऑन द ट्री। द बॉय इज ऑन द ट्री, क्या ये लड़का ट्री के ऊपर है? नहीं, द बॉय इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट ही होगा। द वॉटर इज ऑन द जग। द वॉटर इज इन द जग होगा, क्योंकि पिक्चर में जग के अंदर पानी है, इसीलिए ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट होगा। एट्थ, द वेस इज ऑन द बॉक्स। द यहाँ फ्लावर वेस दिया हुआ है, ये बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। द वॉश इज इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स है, तो ये करेक्ट होगा और यहाँ पे करेक्ट का चिन्ह बना दीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग पेज 6 बनाकर भेजिएगा, मैं इंतजार करूँगी। थैंक यू।